हे गाइस, वेलकम बैक विथ न्यू ब्लॉग। तो आई होप सब अच्छे होंगे गाइस। अभी का सुबह का बज रहे हैं 6 और आज गाइस हम जाने वाले हैं जबलपुर में। मेरा SSC के एग्जाम है, तो आज ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको हम जबलपुर का विजिट दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग भाई, के मुंह में दही जमा है क्या? सो गाइस, हम अब घर से निकल चुके हाँ। गाइस हम फाइनली बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं, जस्ट अभी पहुंचे हैं बस स्टैंड, और बहुत ही लेट गाड़ी है आने वाला है, जस्ट शायद तक में लगभग 8 बजे आएगा गाड़ी। अभी तो 7:50 हो रहे हैं। ये देख सकते हो बस स्टैंड है, ये चौराहा। जबलपुर बस स्टैंड पहुंच चुके, ये रहा दीनदयाल बस स्टैंड, और यहाँ से हम ग्लोबल कॉलेज के लिए ऑटो पकड़ेंगे और यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस, फाइनली एग्ज़ाम एंड हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं बाहर, एग्जिट कर रहे हैं, और हम आए थे ग्लोबल कॉलेज। फाइनली एग्ज़ाम एंड हो गया। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है। मैं फाइनली एग्जाम दे के आ गया, अभी मैं बस स्टैंड पे हूँ। चलो खाते हैं कुछ, बहुत ज़्यादा जम के भूख भी लगा है एग्ज़ाम देने के बाद। अभी रिटर्न हुआ हूँ, बस भी अभी नहीं है। देखते हैं कुछ खाते हैं फल, फिर चलते हैं घर। अभी ये देख सकते हो, ये बस स्टैंड है जबलपुर का, दीनदयाल बस स्टैंड गाइस इसे कहते हैं हम लोग। बस
रीवा। सो गाइस मैं फाइनली घर पहुंच गया और अभी बज रहे हैं 10 बजे पहुंचा हूं 4 बजे के, जबलपुर से 4 बजे निकला था गाइस, लेकिन रास्ते में गाड़ी भी ख़राब हो गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा कुछ भी खाया नहीं लिया था, थोड़ा सेव लिया था तो वो भी रास्ते में नहीं खाया, ये सेव लिया था गाइस, ये खाने के लिए लेकिन खाया ही नहीं, अच्छे ही नहीं लग रहा था, मैं सोचा घर में जाके खाऊंगा आराम से, बहुत ज़्यादा गर्मी भी था और जाते टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, सीट भी नहीं मिला बहुत ही ज़्यादा गाइस, पूछो मत, आज की जर्नी तो बहुत ही बैड, और एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे तो ऐसा लग रहा था जैसे थकाई महसूस, क्योंकि खड़े खड़े गए थे गाइस तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था गाइस, ऑलरेडी मैं पहले से थक चुका हूँ तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और अभी बज चुके हैं ये देख सकते हो 11:22 हो चुका है, और आई होप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।